हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। पिछला जो वीडियो था वो लाइटनिंग के ऊपर में था, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उसके लिए सारे व्यूअर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। इस बार का जो वीडियो आया और जो आप लोगों के चॉइस पर आया, आप लोगों ने कुछ फीडबैक दिया था, सर मुझे एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें वायर्स एंड MCB की जो सलेक्शन है वो प्रॉपर हो, तो आज मैं उसी तरह के एक वीडियो को लेकर आया हूँ जिसमें घर में वायर और MCB का सही चुनाव कैसे करें, ये हमारा है टॉपिक, जिसमें 1 square mm से लेकर 16 square mm जो घर में यूज होता है और उसके साथ घर के अंदर रखे सभी अप्लायंसेज, जैसे आपके पास जो भी घर में अप्लायंसेज रहता है उसके साथ MCB की सिलेक्शन कैसे करें और वायर के साथ उसका कैसे उसका सिलेक्शन करें, स्पेशली जो AC में लगाते हैं लोग, AC और मोटर में लगाते हैं उसमें कितने स्क्वायर MM की वायर लगाएं और कितना MCB की रेटिंग लगाएं, ये हमको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। नॉट ओनली इलेक्ट्रीशियन या कस्टमर केयर या रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट, बट ये घर में जितने भी हाउस होल्डर हैं सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, बिकॉज इसकी अगर मिसमैचिंग हो जाती है तो शायद आपकी सारी इलेक्ट्रिफिकेशन, सारी इलेक्ट्रिकल का वायरिंग आपके गलत दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं मिसहैपनिंग होगा, जिससे हमारी प्रॉपर्टी का और हमारे वायरिंग का काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में जो मैंने लिया वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द MCB एंड वायर, इसके बारे में बताता हूँ। जो वायर के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टैंडर्ड वायर क्या होता है, जो कहाँ से वायर स्टार्ट होती है, वायर बेसिकली हमारा बात करेंगे तो 0.5 से ये स्टार्ट होता है स्क्वायर MM में, 0.75 भी होता है इसका रेटिंग, तो ये 0.5 से लेके 1.5 2.5 4 6 10 और 16, ये डोमेस्टिक के लिए होता है जो हम घर में नॉर्मली यूज करते हैं, मीटर रूम के बाद से लेके और वायरिंग तक यूज करते हैं। उसके बाद जो हायर रेटिंग है जो हम लोग कमर्शियल में एंड इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो 25 से लेके 35 एंड 150 तक हम लोग इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, तो इस तरह का रेटिंग होता है, यही रेटिंग फॉलो होता है, इस बीच में कोई दूसरा रेटिंग नहीं होता है। इसी तरह अगर MCB की बात करेंगे तो MCB में भी एक स्टैंडर्ड रेटिंग होती है, जैसे फ्रैक्शन रेटिंग होता है और अंडर रेटिंग जिसको बोलते हैं, जो 0.5 से लेकर चालू होता है और 5 एम्पियर तक होता है। जो स्टैंडर्ड रेटिंग होता है जो हमारा घर में लगता है वो 6 एम्पियर से लेकर 32 एम्पियर तक और अप टू 63 एम्पियर तक है, जो इनकमर लगता है। एंड जो हायर रेटिंग होता है जो 100 एम्पियर से लेकर 125 एम्पियर तक लगता है, तो इस तरह का रेटिंग हमारे जो वायर्स एंड केबल और MCB में ये स्टैंडर्ड है। चलिए आगे कुछ हम और बात करते हैं, जो MCB के साथ वायर की सिलेक्शन कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें अगर किसी तरह का अगर आपका मिसमैचिंग हो जाता है तो शायद आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन गलत हो सकता है और ये आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। तो मैं चाहता हूँ जो ये सारे इलेक्ट्रीशियन, सारे लोग यहाँ पे इस YouTube को देखें और इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर मालूम चले जो हमारे सिलेक्शन वॉइस एंड केबल के साथ MCB का कितना होना चाहिए और उसमें कितने किलोवाट के लिए हम अप्लीकेबल हैं। सर लेट अस हम स्टार्ट करते हैं 0.75 के लिए। नॉर्मली लोग इलेक्ट्रीशियन लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, बट हमारी कुछ एक एरिया में 0.75 ही स्टार्ट करते हैं, जो 6 एम्पियर होता है, MCB का रेटिंग 6 एम्पियर होता है, जो 1.2 किलोवाट होता है, ये समझिए। 1 square mm के लिए 10 एम्पियर की MCB होती है, जो 2 किलोवाट के लिए उसकी रेटिंग होती है। 1.5 के लिए 16 एम्पियर की MCB होती है, जो 3.2 किलोवाट के लिए होता है। 2.5 वायर्स के लिए 20 एम्पियर की MCB होती है, जो 4 किलोवाट के लिए रहता है। जो 4 square mm होता है वो 25 एम्पियर की MCB देते हैं, जो 5 किलोवाट का रेटिंग रहता है। जो 6 square mm है वो आपको 32 एम्पियर की MCB देता है, जो 6.4 किलोवाट की रेटिंग है। जो 10 का जो स्क्वायर MM है वो 40 एम्पियर की देता है MCB, जो 8 किलोवाट की रेटिंग है। उसी तरह 16 square mm के लिए 63 का MCB, जो 13 किलोवाट के लिए, और 25 square mm के लिए 80 एम्पियर की MCB, जो 16 किलोवाट के लिए। नॉर्मली जो हम घर में लगाते हैं वो हम 0.75 से लेके 6 एम्पियर तक, मतलब 0.75 से लेके 6 एम्पियर तक हम MCB में लगाते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये यहाँ तक। उसके बाद हम इनकमर में लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के इनकमर में लगा देते हैं और मीटर रूम में हमारा इस तरह की वायरिंग चलता है, 10 एम्पियर 10 square mm और 16 square mm, जिसमें हम इनकमर में 40 एम्पियर और 63 एम्पियर यूज करते हैं ब्रॉडली इन द रेसिडेंशियल एरिया, इधर सिंगल फेज हो या 3 फेज हो। तो इस तरह का सिलेक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फायदा देगा और किसी तरह का आपको गड़बड़ी नहीं होगा इलेक्ट्रिफिकेशन में और किसी तरह का मिसमैचिंग नहीं होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर MCB वायर के साथ मिसमैचिंग होता है और MCB वायर अगर MCB के साथ मिसमैच होता है तो आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन रॉन्ग हो जाती है। चलिए अगर कोई इलेक्ट्रिशियन ऐसा बोलता है चलिए हमारी हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे मन में जो होगा हम यूज करेंगे, 1 के जगह पर 2.5 भी यूज करेंगे, 1 के जगह पर 4 भी यूज करेंगे, 6 एम्पियर के जगह पर 20 भी एम्पियर भी MCB यूज करेंगे और 6 एम्पियर के जगह 32 एम्पियर यूज करेंगे,
तो आपको फायदा और गैर फायदा क्या होगा। एक्चुअली आप देखिए एक्चुअल रेटिंग जहाँ पे समझिए 2.5 स्क्वायर एमएम का है, जो समझिए हम 20 एम्पियर की एमसीबी, लेटर से हम 20 एम्पियर की एमसीबी हम यहाँ पे बोलते हैं, 20 एम्पियर की एमसीबी यहाँ पे लगना चाहिए। अगर मैं वहाँ पे जगह पे 1.5 स्क्वायर एमएम लगाया, अगर 2.5 की जगह पे 1.5 है तो अंडर रेटिंग हो गया। उससे आपको क्या होगा, जो हाई रेसिस्टेंस उसमें डेवलप हो जाएगा, उससे हाई रेसिस्टेंस डेवलप करने से आपको उसमें हीट डेवलप हो जाएगा, और हीट जो ही डेवलप होगा तो इंसुलेशन आपकी डैमेज हो जाएगी और एमसीबी आपकी उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप नहीं होगी अगर आपका अंडर रेटिंग है तो। आप समझिए एमसीबी काम करेगा और इंसुलेशन आपकी डैमेज हो जाएगी, हीट डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण उसमें हाई रेसिस्टेंस तो डेवलप तो होगा ही, उसके कारण ये सारा जो चीज़ जो है ना आपको गड़बड़ी चालू हो जाएगा अगर आप अंडर रेटिंग यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ द 2.5 स्क्वायर एमएम। ये समझिए अगर ओवर रेटिंग यूज कर ले जैसे 2.5 के ऊपर कोई बोलता है जो ओवर रेटिंग हम ज्यादा रेटिंग यूज करते हैं उससे क्या अगर फायदा होगा या फायदा होगा, उससे क्या होगा लो रेसिस्टेंस आपको, क्योंकि जो ही हायर वायर्स एंड केबल लेंगे तो लो रेसिस्टेंस डेवलप होगा, आपका जो कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाएगा। नंबर टू वोल्टेज ड्रॉप, उसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की चांसेस है, जो आपकी जो जो वोल्टेज ड्रॉप से आपकी मोस्ट ऑफ द एरिया में वोल्टेज ड्रॉप होता है बिकॉज ऑफ दिस हायर रेटिंग ऑफ द केबल एंड द लॉसेस आपकी ज्यादा होगी, लॉसेस आपकी ज्यादा होगी, लॉसेस ज्यादा होने से आपकी आपकी जो है ना उसमें जो आपके बिल एंड एवरीथिंग आपको ज्यादा आएगा। तो आप ना ओवर रेटिंग यूज कर सकते हैं एंड अंडर रेटिंग यूज कर सकते हैं, इस दोनों में जो परफेक्शन है एज पर द रेटिंग ऑफ दिस स्पेसिफाइड सर्किट ब्रेकर उसी हिसाब से आप स्क्वायर एमएम को, केबल के स्क्वायर एमएम को आप यूज कर सकते हैं। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपके अप्लाइंसेस बहुत सारे घर में आपके अप्लाइंसेस रहते हैं, समझिए सबसे मोस्ट डिफिकल्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे क्वेश्चन आता है, सर एक टन के एसी के लिए या डेढ़ टन के एसी के लिए या दो टन के एसी के लिए हम किस तरह के एमसीबी लगाएं। तो एमसीबी बेसिकली दो टाइप की होती है, बी सी टाइप, तीन टाइप की होती है, एक बी टाइप, एक सी टाइप, एक डी टाइप। एक डी टाइप को अभी हम छोड़ देते हैं, बी एंड सी की हम बात करते हैं। तो जब भी आप एसी की बात करेंगे तो एसी अगर एक टन की अगर होती है तो 16 एम्पीयर की एमसीबी में सी टाइप लगेगा, जो 2.5 स्क्वायर एमएम की आपको केबल लगेगी। आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे इलेक्ट्रीशियन के लिए, और मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं इस लाइन से, वायर्स एंड केबल के इंडस्ट्री से और सर्किट ब्रेकर के इंडस्ट्री से, वो सारे लोग इस चीज़ को समझें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसी चीज़ को फॉलो करें, आपके कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन गलत नहीं हो। डेढ़ टन एसी के लिए 25 एम्पीयर की एमसीबी लगेगा, और सी टाइप की एमसीबी है जो 4 स्क्वायर एमएम की वायर लगेगी। दो टन के लिए एसी के लिए 32 एम्पीयर की एमसीबी लगेगी जो सी टाइप है, जो 4 स्क्वायर एमएम की आपको केबल लगेगी। चलिए अभी दूसरा अप्लायंसेस अपने घर में रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर नॉर्मली डिफरेंट लीटर्स का होता है, 165 लीटर, 285 लीटर, 350 लीटर। जो हम अगर इसको वाट में बदलेंगे तो 400 वाट इसमें आता है, जो 3 एम्पीयर सी कर्व एमसीबी और 1 स्क्वायर एमएम। 285 लीटर के लिए 600 वाट दैट इज 4 एम्पीयर सी कर्व एंड 1 स्क्वायर एमएम। 350 लीटर के लिए 750 वाट, 6 एम्पीयर का एमसीबी, सी कर्व एंड 1 स्क्वायर एमएम। मतलब आप इसमें 400 वाट से लेकर 750 वाट के बीच रेफ्रिजरेटर रहता है, जिसमें आप 1 स्क्वायर एमएम की आप उसको वायर में ले सकते हैं। ये चीज तो समझ गए। कुछ और अप्लायंसेस आपके घर में है, वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। वॉशिंग मशीन भी 300 वाट की होती है, 100 वाट की होती है, 1200 वाट और 1800 वाट। इस हिसाब से हम 2 एम्पीयर की एमसीबी, 6 एम्पीयर की एमसीबी, 10 एम्पीयर की एमसीबी, 16 एम्पीयर, बट इसमें भी सी टाइप होता है, इसमें भी मोटर आता है। जितने भी मोटर आता है अप्लायंसेस या गैजेट्स उसमें सी टाइप की एमसीबी लगती है, जितने भी लाइटिंग लोड आता है उसमें बी टाइप की एमसीबी लगती है। ये आप समझिए बी एंड सी में क्या डिफरेंस है। इस तरह से इसके स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1 स्क्वायर एमएम, 1.5 स्क्वायर एमएम, 2.5 स्क्वायर एमएम, इस तरह से हम वॉशिंग मशीन की हम सेलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम रूम हीटर की बात करते हैं। रूम हीटर नॉर्मली 1000 वाट एंड 2000 वाट की होता है, जो 6 एम्पीयर की होती है 1000 के लिए और 2000 के लिए 10 एम्पीयर। इसमें बी कर्व की एमसीबी है। ये देखिए ये आपको 1 स्क्वायर एमएम या यहाँ पे 2.5 स्क्वायर एमएम की आपको ये आपको केबल लगेगी। उसके बाद वाटर हीटर की बात करेंगे तो वाटर हीटर आपको एक इंस्टेंट वाटर हीटर रहता है, जो एक स्टोरेज वाटर हीटर रहता है, जो 1/3 एंड 6, 10, 15 एंड 25 लीटर की होती है, और स्टैंड एक और तीन, ब्रॉडली मैं बताता हूँ, स्टैंड 1 लीटर और 3 लीटर की होती है, जिसमें 3000 से 4000 वाट रहता है। 3000 4000 वाट के बीच हम 20 एम्पीयर की एमसीबी लगाते हैं, जो बी टाइप होता है। ये बी टाइप होता है जो 2.5 स्क्वायर एमएम आना चाहिए। जो स्टोरेज होता है वो 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर की होती है, जो 2000 से लेके 3000 तक का हमारा वो वाटेज रहता है, जिसमें 10 एम्पीयर से लेके 16 एम्पीयर की बी कर्व एमसीबी और 1.5 स्क्वायर एमएम की हम उसमें
वाटर हीटर में हम लगा सकते हैं एमसीबी इस तरह से। अभी कुछ एक और हम देखते हैं, कुछ एक और हम देखते हैं जो आयरन की बात करते हैं, तो आयरन 750 वाट की होती है, जो एक 750 एंड 1000 वाट की नॉर्मली रहती है, जो 5 एम्पियर और 6 एम्पियर में होता है, जो बी कैप एमसीबी के साथ हम 1 square mm, हम दोनों 1 square mm की वायर हम लगा सकते हैं। ओवन ओवन कम ग्रिल में आपकी जो 1600 से लेके 2.2 किलोवाट तक रहता है, जो 10 एम्पियर और 16 एम्पियर की एमसीबी लगते हैं, बी टैप 2.5 square mm की लगते हैं। ओवन की बात करेंगे 750 से लेके 1 किलोवाट तक रहता है, डेट इज 6 एम्पियर एमसीबी एंड बी टैप डेट इज 1 square mm ऑल्सो है। हॉट प्लेट की बात करेंगे तो 2 किलोवाट रहता है, डेट इज 10 एम्पियर ऑफ द बी कर्व एंड 1 square mm रहता है। जो इलेक्ट्रिक केटल्स रहता है जिसमें पानी गर्म होता है, जो 1.2 किलोवाट से लेकर 2.2 किलोवाट डेट इज 7.5 एम्पियर से लेकर 12 एम्पियर के बीच में बी कर्व एमसीबी रहता है और 1 square mm की वायर रहती है। जो हेयर ड्रायर रहता है वो 1 किलोवाट रहता है, डेट इज 6 एम्पियर एंड बी कर्व एमसीबी एंड 1 किलोवाट ऑफ दिस 1 किलोवाट की हम अगर बात करें तो 1 किलोवाट उसमें आ जाएगा। देन कुछ और हम इसमें बात करेंगे, टीवी की बात करेंगे तो टीवी में हमारा 2000 वाट रहता है, जो 1 एम्पियर का करंट लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बी कब एम से भी और 1 square mm इसमें जा सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर में आपको 400 वाट से लेकर 1200 वाट के बीच रहता है, जो 6 एम्पियर के एमसीबी रहता है, बी टाइप और 1 square mm रहता है। फैन देखिए, फैन 22 बहुत कम वाट का 22 एंड 80 वाट रहता है, जो 1 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर रहता है, बी कब एमसीबी रहता है और नॉर्मली इसमें मोटर रहता है, स्मॉल साइज मोटर रहता है, इसलिए लोग बी कब एमसीबी लगाता है। सीकर एमसीबी जो ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर दिस फैन, यहाँ पे लगा सकते हैं 1 square mm वायर में। टीपीडब्ल्यू फैन में 60 एंड 120 वाट के लिए 1 एम्पियर और 4 एम्पियर की एमसीबी लगता है, जिसमें बी कैप की एमसीबी आप लगा सकते हैं। लैंप ट्यूब होल्डर में लैंप ट्यूब लाइट में 40 वाट रहता है, जो 1 एम्पियर की एमसीबी है और बी टाइप एमसीबी है और 1 square mm की इसमें वायर लगा सकते हैं। देन मिक्सर ग्राइंडर में आपका देख लीजिए 200 वाट से लेकर 1200 वाट तक रहता है, दैट इज 1.5 से लेकर 10 एम्पियर, दैट इज सी कर्व एंड 1 से लेकर 1.5 square mm ऑफ दिस वायर एंड केबल। तो वाटर फिल्टर में आपकी 500 वाट की रहती है, नॉर्मली 3 एम्पियर की एमसीबी होनी चाहिए, सी कर्व एंड इसमें बिकॉज इसमें मोटर रहता है इसलिए सी कर्व मैंने बोला और ये 1 square mm की। तो ये पूरे अप्लायंसेस जो आपके घर में ऑलरेडी मौजूद है, इस हिसाब से आप एमसीबी की सिलेक्शन करें, बी टैप और सी टैप पर जाएं और उसी हिसाब से केबल एंड वायर की सिलेक्शन करें। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स। और हम थोड़ा सा बात करते हैं मोटर की, अगर बात करें तो मोटर डिफरेंटली नॉर्मली लोग सिंगल फेज में रहता है और 3 फेज में रहता है। जब हम सिंगल फेज में बात करेंगे तो लेटर से हम बात करते हैं 1 square mm की, सॉरी 1 HP मोटर की बात करेंगे। पहले हम आधे HP मोटर की बात करेंगे सिंगल फेज में, तो 4 एम्पियर की रिकमेंडेड जो फुल लोड होता है वो 4 एम्पियर होता है, इसलिए हम इसकी रिकमेंडेड 4 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर करते हैं। इसी तरह से अगर 1 HP की अगर आपका मोटर है, 1 HP की मोटर है, तो 8 एम्पियर आपको लगेगा यहाँ पे फुल लोड के लिए, इसलिए हम यहाँ पे 10 एम्पियर की MCB लेके आते हैं। इसी तरह से हमारा 2 एम्पियर अगर समझो होता है या 3 एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर के लिए 8 एम्पियर, तो 2 एम्पियर के लिए यहाँ पे 16 एम्पियर हो जाएगा, 3 एम्पियर के लिए 25 एम्पियर हो जाएगा। इस हिसाब से आप सिंगल फेज की सिलेक्शन कर सकते हैं ऑफ द मोटर जो रेटिंग एंड इसमें सी टाइप एमसीबी ऑलवेज द मोटर यहाँ पे सी टाइप एमसीबी लगेगा, बिकॉज सिंगल फेज है तो सिंगल फेज एमसीबी के साथ सी टाइप एमसीबी लगेगा। चलिए थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं, ये 3 फेज की बात है। 3 फेज मोटर में नॉर्मली हमारा टीपी एमसीबी लगता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं टीपी एमसीबी लगता है और सी टाइप एमसीबी लगता है। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे भी रखा है जो मोटर के लिए 1 HP फॉर द 3 फेज के लिए, जो हमारा फुल लोड करंट होता है वो 2 एम्पियर होता है, जो हमारा रिकमेंडेड एमसीबी होता है वो 2 एम्पियर होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द मोटर के केस में आपके अंडर रेटिंग में हमारा जो एमसीबी लगता है वो अंडर रेटिंग लगता है 5 एम्पियर से नीचे वाला, डेट इज 0.5 से लेके 5 एम्पियर के बीच हमारा जो एमसीबी का रेटिंग हुआ डेट इज सी टैप वो लगता है। इसलिए इसी तरह 2 एम्पियर के लिए 3.5 फुल लोड होता है, उसे 4 से 5 एम्पियर लगा सकते हैं। अगर मैं 10 HP की अगर बात करूंगा, 10 HP की मोटर फॉर द 3 फेज, उसमें 11 एम्पियर की जो है ना फुल लोड है, जिसको हम 16 एम्पियर लगा सकते हैं, बिकॉज फुल लोड जितना है उससे आपको तकरीबन इक्विवेलेंट और उससे ज्यादा आपको लगाना है, उससे कम आपको नहीं लगाना है। इसलिए हम ये फुल लोड की भी बात करते हैं, जो मिनिमम इतना और इससे ज्यादा लगाना चाहिए। अगर समझिए 15 HP की मोटर की बात करूंगा तो ये 20 एम्पियर की फुल लोड है, तो 20 एम्पियर हमारे पास ऑलरेडी रेटिंग है। 17.5 के लिए हमारा
17.5 के लिए 24 एम्पियर की हमारा फुल लोड है जो हम 25 एम्पियर के लेते हैं। इसी तरह लास्ट में अगर बात करेंगे तो 35 के लिए हमारा एचपी के लिए 63 एम्पियर की हमारी फुल लोड होती है जो 63 एम्पियर हम एमसीबी यूज करते हैं। इस तरह से हम सिंगल पोल सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर के लिए हम सिलेक्शन हम कर सकते हैं। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।